Clash of Clans. सो है गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड फाइनली आ चुके हम लोग एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। सबसे पहले तो भाई साहब आप लोग ये देखो बर्फ बर्फ मतलब समझ लो पूरा यहाँ पे सीनरी मतलब बर्फ गिर रही है ऊपर से। वाओ मतलब कि फाइनली विंटर अपडेट इज हियर मतलब विंटर अपडेट आ चुका है। एंड साथ ही साथ में देखो ये वाला आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सेंटर सरप्राइज इवेंट के बारे में। इसका जो टाइम है गाइस 16 दिन तक चलने वाला है ये। एंड इसी के साथ में हमको क्या क्या रिवार्ड इसके थ्रू देखने के लिए मिलेंगे सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। एंड इस स्पेल को आपको यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका क्या पावर है क्या पावर नहीं है सब कुछ मतलब फुल एक्सप्लेन करेंगे इस स्पेल के बारे में हम लोग। तो चलो अभी सिंपल हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आए हो पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 2K फैमिली हमको कंप्लीट करना है। ओके तो चलो सिंपल अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। आपके फादर आए हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसके हाउसिंग स्पेस एंड इसका जो डैमेज है उसके बारे में बात करते हैं। ओके तो चलो सिंपल से हम लोग पहले स्पेल को देखते हैं कैसा क्या मतलब हम लोग दो अटैक करेंगे। ओके दोनों अटैक के अंदर ट्राई करेंगे कि कौन सा स्पेल बेटर है, लाइटिंग स्पेल या फिर ये वाला स्पेल। ओके तो गाइस चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है गाइस सेंटर सरप्राइज, इस स्पेल का नाम है। ओके एंड इसके साथ में इसका जो डैमेज है टोटल डैमेज ये 1200 है। एंड उसी के साथ में ये एरिया स्प्लैश मतलब जितना यहाँ पे एरिया होता है उसको मतलब ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है। हाउसिंग स्पेस 2 है यानी कि एक रेन स्पेल के बराबर इसका हाउसिंग स्पेस है। 6 मिनट के अंदर ये यहाँ पे ट्रेन होता है यानी टारगेट ग्राउंड एंड एयर दोनों को टारगेट करता है मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता है। ओके तो ये तो मतलब हमने इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर ली एंड अभी हम लोग इसको लाइव यूज़ करके भी देख लेते कि मतलब कैसी क्या चलती है। तो चलो गाइस अभी मैं सिंपल सारे स्पेल को यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे 5 लूंगा मैं सेंटर स्पेल एंड एक यहाँ पे फ्रेश स्पेल ले लूंगा। ओके तो यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा। अरे भाई साहब मैंने थोड़ी गलती कर ली, वहीं से रिमूव कर देता मैं। चलो कोई ना 5 ले ली, एक फ्रेश स्पेल ले ली। ओके तो ये वाली मेरी आर्मी में यूज़ करने वाला हूँ एंड अभी 33 मिनट बाकी है तो 33 मिनट तक हम लोग क्या करें। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप कर देता हूँ एंड मैं मिलता हूँ आपसे 33 मिनट के बाद में। ओके भाई साहब 33 मिनट कंप्लीट हो चुका है, 5 मेरे पास में सेंटर स्पेल है एंड 1 फ्रेज स्पेल है। तो चलो चलते सिंपल साहब अटैक के लिए एंड देखते हैं एक बकरा एंड उस पर ट्राई करेंगे इस स्पेल को हम लोग। ओके तो नाउ अभी सर्चिंग हो रही है एंड फाइनली हमको एक बेस यहाँ पे मिल चुका है। ओके तो ये जो मुझे एयर डिफेंस दिख रहा है ये शायद लेवल 10 का हो सकता है, 10 या फिर 11 का हो सकता है, शायद 10 का होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे छोड़ूंगा 3 सेंटर स्पेल मैंने यहाँ पे ड्रॉप करी और भाई साहब ऊपर से कुछ गिर रहा है एंड ये बहुत सारे गिफ्ट भेजे इन्होंने, एक एयर डिफेंस फूट चुका है एंड यहाँ पे मैं 2 सेंटर स्पेल यूज़ करूँगा इसके ऊपर। दोनों मैंने मतलब यहाँ पे स्पेल का यूज़ किया, ऊपर से कुछ आया एंड यहाँ पे गिफ्ट गिर गए एंड फाइनली ये भी यहाँ पे मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी कि 2 स्पेल में यहाँ पे लेवल 10 का एयर डिफेंस चला जाता है। बट अगर ज़्यादा लेवल का एयर डिफेंस रहेगा यानी कि लेवल 11, 12, 13, 14 तक का एयर डिफेंस रहेगा तो फिर 3 या फिर 4 भी लग सकती है। तो आप लोग मतलब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। अभी हम लोग लाइटिंग स्पेल का भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। बट गाइस उससे पहले मैं यहाँ पे 50% बेस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ वरना पता चले कि मतलब मेरी यहाँ पे 28 ट्रॉफी माइनस लग जाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेजेंड पुशिंग करने की तो ये गलती हम लोग बिल्कुल से भी नहीं कर सकते। 1 स्टार मिल गया एंड चलो 2 स्टार भी कर ही देते अभी। ओके जब तक के लिए मतलब आपको थोड़ा बहुत अटैक भी यहाँ पे इंजॉय हो जाएगा। तो चलो भाई साहब किधर गए मेरे ट्रूप्स छोड़ दिए मैंने सिंपल सा। 36% निकल चुका है, 37 हो गया, 38 एंड फाइनली यहाँ पे 1 स्टार मतलब 2 स्टार तो हम लोग कलेक्ट कर ही लेंगे इजीली। तो गाइस आपने देखा मतलब 2 स्पेल के साथ में यहाँ पे लेवल 10 का एयर डिफेंस डाउन होता है यानी कि 4 लाइटिंग स्पेल इसकी जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब लाइटिंग स्पेल में तो 3 लाइटिंग स्पेल में भी मतलब बेस फूट जाता है। चलो इस बार हम लोग लाइटिंग स्पेल का भी ट्राई करते हैं इसके कंपेयर में। तो चलो मेरी लाइटिंग स्पेल भी यहाँ पे ट्रेन है, 3 मिनट बाकी है अभी इसको ट्रेन होने में एंड नाउ आप लोग चेक कर सकते हो इसकी हाउसिंग स्पेस ओनली 1 है। यहाँ पे मैंने 5 ली थी सेंटर स्पेल तो मैं अभी यहाँ पे 10 लाइटिंग स्पेल लेने वाला हूँ यानी कि उसकी डबल लेने वाला हूँ क्योंकि समझ सकते हो आप लोग। ओके तो मैंने यहाँ पे ले ली एंड अभी 2 मिनट बाकी तो मैं 2 मिनट के लिए क्या करूँगा सिंपल सा थोड़ा सा वीडियो का मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। तो भाई साहब हो चुका है 10 सेकंड बाकी ओनली, 10 सेकंड तक वेट करते एंड मैं यहाँ पे सीसी के ट्रूप्स भी ले लेता हूँ अभी रुको थोड़ा सा। ओके तो आप लोग और भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। चलो अभी मैं सिंपल सा 1 सेकंड फाइनली मेरी आर्मी रेडी, एनसीसी के ट्रूप्स भी ले लेता हूँ क्योंकि हमको 1 स्टार तो करके आना है एंड चलते गाइस सिंपल सा अटैक के लिए देखते हैं बकरा अच्छा सा। सो नाउ गाइस ये मिला है हमको शायद 13 का बकरा मिल चुका है, 34 ट्रॉफी है। ओके तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लेवल 11-12 का ये डिफेंस है तो सोच रहे हो तो यहाँ पे मैंने 3 लाइटिंग स्पेल
ड्रॉप करी। ओके, तो ये ए डिफेंस सिंपल से जा चुका है, तीन यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा, मतलब तीन में फूट गया एक ए डिफेंस। एंड अगर इसके कंपेयर अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर यूज करता सेंटर स्पेल का, तो वहाँ पे भी तीन लाइटिंग स्पेल लगती, मतलब तीन सेंटर स्पेल लगती एंड उसका वहाँ पे स्पेस छः हो जाता है, यानी कि छः लाइटिंग स्पेल में फूट रहा है, समझ रहे हो ना? तो समझ सकते हो आप लोग, मतलब छः स्पेस घेर के वो फूट रहा है एक एयर डिफेंस। तो इसके कंपेयर में यहाँ पे लाइटिंग स्पेल अच्छा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे तीन स्पेस को घेर के यहाँ पे फूट रहा है। इसके अलावा हम लोग फ्रेज स्पेल भी ले सकते हैं, तो मतलब आपको पता चल गया होगा कौन सी स्पेल हमको यूज़ करना चाहिए, अगर आप मेरा सजेशन मानो तो। गाइस, आपको यहाँ पे लाइटिंग स्पेल को यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग मतलब खुद नोटिस करो यहाँ पे तीन सेंटर स्पेल के साथ में लेवल 11 या 12 का एयर डिफेंस यहाँ पे डाउन होता है, समझ रहो। एंड तीन सेंटर स्पेल की स्पेस कितनी होती है? 6 स्पेस। एंड उसी कंपेयर थ्री लाइटिंग स्पेल के अंदर एक एयर डिफेंस डाउन हो जाता है, मतलब कि तीन स्पेस हमारे पास बच रही है, तो तीन हम लोग और यहाँ पे लाइटिंग स्पेल को ले सकते हैं। तो चलो अभी 50% इस बेस को निकालते हैं एंड फाइनली हम लोग मतलब हमारा लास्ट डिसीजन ले लेते हैं कि कौन से स्पेल हमको यूज़ करना चाहिए दोनों में से। तो गाइस चलो अभी हम लोग सिंपल सा इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका स्पेस ओनली 1 है, प्लस 3 मिनट के अंदर ये ट्रेन हो जाती है, यानी कि ट्रेनिंग टाइम भी इसका बहुत जल्दी है, प्लस एक हाउसिंग स्पेस है। इसका ट्रेनिंग टाइम इससे डबल है एंड स्पेस भी डबल है, मतलब कि 2 स्पेस है एंड 6 मिनट का यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम है। ओके, तो मतलब जितनी देर में एक स्पेल यहाँ पे ट्रेन होती है उतनी देर में वो 2 स्पेल यहाँ पे ट्रेन हो जाती है, तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, बट आप यहाँ पे ट्रेनिंग पर्सन का यूज़ कर सकते हो। एंड इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें इसके रिवार्ड के बारे में, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर कुछ रिवार्ड मिलता तो फिर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते थे, बट इसमें तो मतलब कुछ रिवार्ड भी नहीं मिल रहा। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि मतलब आपको इसको यूज़ करना चाहिए, बट हाँ अभी क्रिसमस डे चल रहा है, तो क्रिसमस डे के साथ में मतलब अभी चल तो नहीं रहा, वैसे आने वाला है, तो अभी क्रिसमस डे के साथ में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने हमें दिया है, तो मतलब न्यू स्पेल ट्राई करने के लिए दिया है ओनली, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो बाकी गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा वीडियो मतलब जो भी न्यू अपडेट आए पूरा वीडियो हम लोग डिटेल्स में बनाए, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग लगते हैं ओनली 50 लाइक, तो जल्दी 50 लाइक कंप्लीट करो, पूरा हम लोग एक्सक्लेमेशन करेंगे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।